हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल गार्डनिंग विद सारिका में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गार्डन और गार्डन में लगे हुए बालसम के प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर कलर का बालसम है और इसके जो फ्लावरिंग हुई है वो भी कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है रोज़ के फ्लावर खिले हुए हैं। वैसे ये बालसम के जो है प्लांट मल्टी पेटल के फ्लावर्स है इसमें, इसलिए ये रोज़ के फ्लावर की तरह दिख रहा है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो इनको फ्रेंड्स लगाना बहुत आसान है। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, जो बालसम का प्लांट होता है इसको सीड से ग्रो किया जाता है और इसके सीड बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आपके पास थोड़े से सीड भी हैं तो उनको आप जर्मिनेट कर दीजिए, आपके पास ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे और इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो इसके प्लांट होते हैं साल में एक बार इनमें फ्लावरिंग आती है। ये एनुअल प्लांट होते हैं, सिर्फ एक दो महीने तीन महीने तक चलते हैं, इसके बाद ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इनके सीड को आप संभाल के रख लीजिए नेक्स्ट सेशन के लिए या सीज़न के लिए, तो उस टाइम पर आप इसको लगा के फिर से नए खूब सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ऑरेंज कलर के कुछ प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग ऑरेंज कलर की हुई है, कुछ मैरून कलर के हैं। तो इनके जो सीड पॉट बनते हैं वो जब फ्लावर सूख जाते हैं या झड़ जाते हैं उसके बाद इस तरह के सीड पॉट तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह के सीड पॉट तैयार होते हैं और थोड़े दिनों बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो इसके अंदर से मैरून या फिर ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं। तो अभी ये सीड पॉट तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इसे मुझे थोड़ा प्रेशर देकर के खोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड किस तरह के होते हैं। ये देखिए, इस तरह के सीड होते हैं पर ये मैच्योर नहीं है, इसलिए इसके सीड ब्लैक नहीं हुए हैं। और मैच्योर जो सीड पॉट होते हैं उनको टच करने से ही सीड पॉट फट जाता है और उसके अंदर आपको बहुत सारे सीड मिल जाते हैं। तो आपको सीड संभाल के रख लेना है और अगले साल के लिए आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको आप उगा सकते हैं अपने घर के गार्डन में। और देखभाल की बात की जाए तो इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो आप सारे प्लांट्स में देते हैं वही आप दे सकते हैं। या फिर अगर आपने मिट्टी इसकी अच्छी बनाई हुई है तो फिर आपको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बालसम के प्लांट में जो मिट्टी बनाई है उसमें मैंने गार्डन सॉइल नॉर्मल जो रखी है वो है, और घर का बना हुआ जो लीफ कंपोस्ट था वो मिलाया हुआ है और सैंड है, और कोई ख़ास मैंने फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं किया है। और इसी तरह से इस प्लांट को मैंने इनको लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है इन फ्लावर्स की वजह से। अभी पूजा के लिए भी फूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो ये पूरी फूलों की कमी को पूरी कर देते हैं, इसलिए बालसम का प्लांट बहुत अच्छा होता है। इसमें भी कई कलर आते हैं, आप चाहे तो वाइट पिंक, लाइट पिंक भी आता है इनमें, डार्क पिंक आता है, तो ये सारे कलर आप चाहे तो ले सकते हैं। नर्सरी में आपको सारे कलर मिल जाएंगे। अगर आप एक बार इस प्लांट को अपने घर के गार्डन में ऐड करते हैं तो फिर ये हमेशा के लिए हो जाता है। इसके सीड अपने आप भी ग्रो होते हैं, जब इसका सीज़न आता है तो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से बालसम का प्लांट आप भी लगा सकते हैं और ये घर का गार्डन बहुत खूबसूरत बना देता है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।